और दूसरा जो इनका स्टॉक था ट्राइडेंट, वहां पे भी मेरा मानना है कि फिलहाल ये जो अपस्विंग आया है इसमें वॉल्यूम्स अच्छे हैं, डिलीवरीज भी दिख रही हैं मुझे कि गई हैं, जो ये 32 से लेके 40 तक का मूव आया है ये अच्छा लग रहा है। आई थिंक अब यहाँ पे एक 35-36 के आसपास एक शॉर्ट टर्म फ्लोर बना हुआ है, तो आई थिंक 35 के नीचे एक यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रखें 34-40 का, और मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड में बने रहे। ओके, तो ये राय है आपके लिए सर जी। अच्छा, इस बीच जो है बैंक निफ्टी अपने हाई से काफ़ी गिर गया है, 300 पॉइंट से ज़्यादा, और इस समय भी 100 पॉइंट नीचे है। सर जी, कोई ट्रेड बनता है क्या बैंक निफ्टी में भी तत्काल? देखिए बैंक निफ्टी की जो हमने रेंज आइडेंटिफाई भी की है जिसमें वो चल भी रहा है, मोटा मोटी 4400 से 4500, तो बिल्कुल बीचों बीच चल रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड इज प्योरली न्यूट्रल। हमने जब पिछले शोज में भी बात की थी कि जो ट्रेडर टाइप की कम्युनिटी है उसको 45,000 के आसपास बेचने की कोशिश करनी चाहिए, 44,000 के आसपास कहीं लेने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक ये रेंज चल रही है तब तक मजे कर लीजिए। निफ्टी में भी वही है, 19,200 से 19,600 जो हमने डिस्कस किया, तो आई थिंक अपर एंड ऑफ द रेंज बेचिए, 4-5-7-10 दिन में नीचे आ जाए तो प्रॉफिट बुक करिए। और क्योंकि आप 1,000 पॉइंट का मूव ट्रेड करना चाह रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो 300 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस भी रहेगा, तो आप एक 300-350 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लगाएंगे जब भी आप शॉर्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी ऊपर में, या जब भी आप दोनों को नीचे में ले रहे हैं तो भी आप 300-350 पॉइंट का बैंक निफ्टी में और तकरीबन 150 पॉइंट का निफ्टी में भी स्टॉप लॉस लगाएंगे, तभी आपको रेंज ट्रेडिंग करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। ठीक, तो ये भी गिरा तत्काल, तो इसलिए हमने कहा एक राय ले लीजिए, 91 पॉइंट फ्रॉम डेज हाई निफ्टी 50। अगला सवाल है राजू का, मुंबई से। राजू बताइए। जी नमस्कार, मेरे पास टाटा स्टील का 330 शेयर है 110 के भाव में। टाटा स्टील, हाँ जी, और सुप्रिया लाइफ साइंस है 384 के भाव से 500 शेयर। कितने में लिया सुप्रिया लाइफ? 328 384 सॉरी 384 रुपये में जी। सरवन जी, पहले टाटा स्टील बताइए। जी देखिए, मेटल इंडेक्स भी जैसे भी हमने देखा, मेटल इंडेक्स भी काफी अच्छे लेवल्स पे आ गया है, बट बड़े क्रिटिकल लेवल है, 7,000-7,200 मेरे हिसाब से काफी क्रिटिकल लेवल है निफ्टी मेटल के लिए, और अगर उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा फ्लेवर स्टॉक्स में भी शिफ्ट होगा। तो टाटा स्टील ने भी मोमेंटम पकड़ा है, थोड़ा हमें लास्ट 2 दिन से डेफिनेटली सरप्राइज किया है, बट मोमेंटम अच्छा पकड़ा है, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में अगर आप नेक्स्ट 3 से 4 दिन के लिए ट्रेड लेना चाहें तो आई थिंक 128 के स्टॉप लॉस यहाँ रहेंगे, और टाटा स्टील में मोटा मोटी मुझे लगता है 135-136 के टारगेट्स भी ऊपर में यहाँ पे कहीं अचीव कर सकता है इस ट्रेंड में, बट उसके बियॉन्ड अभी क्लैरिटी नहीं है, तो आई थिंक 136-137 इसके ऊपर अभी नहीं लगता कि जा पाएगा। ओके, और दूसरा वाला सुप्रिया लाइफ। देखिए सुप्रिया लाइफ में थॉट वही है कि थोड़ा सा इरेटिक वॉल्यूम्स रहते हैं, बट आई थिंक बाउंस में है, जब से जहां से मुझे डेटा दिख रहा है 2021 के बाद से वहां से गिरी रहा है, तो डेटा बहुत कम है, बट शॉर्ट टर्म में एक अच्छा ट्रेंड बनने की पूरी कोशिश है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि उसके बेस जो उसका लॉन्च पैड है वो आई थिंक 220-230 के आसपास से ये चला है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक 230 इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक उसके ऊपर बना हुआ है तो आई थिंक शॉर्ट टू मीडियम टर्म बायस जो है वो ऊपर रहेगा, और ऊपर में आई थिंक 310-320 के स्तर आने चाहिए, तो इनके भाव के आसपास कहीं पहुंचा तो इस लेग में 1 से 3 महीने में मुझे लगता है पहुंचना चाहिए। ओके, ये रहा आपके लिए सुप्रिया लाइफ पे है, और एक आंकड़ा ये कहता है कि जितने स्टॉक लिस्टिंग वाले होते हैं 2-3 सालों बाद जब उनका भाव देखा जाता है तो उसमें से 70% अपने आईपीओ प्राइस से नीचे होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।